हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कालिया है। मैं आज आप लोगों को मेरी मदर इन लॉ से मिलाता हूं, जो एक क्रोनिक डायबिटिक पर्सन थी और पिछले ऑलमोस्ट 10-15 साल से ब्लाइंड फूड खा रही थी। तो मैं चाहता हूं कि उन्होंने जब से ये पानी पीना शुरू किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो आपके साथ में शेयर करें। जे पाणी त्यांनी मशीन आणलेलं आहे त्यातलं जे पाणी आहे ते मी प्यायला सुरुवात केली। मी पूर्वी बोरीवलीत राहत होते, परंतु नंतर आम्ही दहिसरला राहायला गेलो। त्यावेळेला माझी मुलगी मंजू ही मला दहिसरला पाणी आणून द्यायची, जर तिला जमलं नाही तर माझी मोठी मुलगी घेऊन द्यायची, पण जवळजवळ ते मला दोन दोन तीन तीन बाटले आणून द्यायचे आणि ते पाणी मी प्यायचे। बरं, औषधं मला चालूच होती, औषधं घेण्यासाठी ते एक साधं पाणी द्यायचे, ते मी प्यायचे आणि हे जवळजवळ मी 2-3 वर्ष सतत घेत होते आणि अजूनही मी घेतेच आहे ते। आता तर मी माझ्या मंजूच्या घराच्या समोरच राहायला आलेले आहे, त्यामुळे आता मला जेवढं पाहिजे तेवढं मी पाणी पिऊ शकते। पूर्वीचं जे पाणी घरी आलं की ते मला सांभाळून प्यायला लागायचं, मी बाकी कोणाला द्यायची नाही, मला प्यायचं। आणि हे पाणी प्यायला लागल्यापासून जे मी तिखट अजिबात खाऊ शकत नव्हते, माझी जिभेची आघाड व्हायची ती खूप कमी झाली। हळूहळू आता मी थोडं तिखट खाऊ शकते, त्यामुळे आता म्हणजे स्वादपूर्ण जे जेवण असतं ते मला मिळतं। हे पाणी पित असल्यामुळे मला खूपच फायदा झाला आणि मला असं वाटतं की हे सगळ्यांनी घ्यावं आणि त्याचा उपयोग स्वतःसाठी करून घ्यावा। जरी आजार नसेल तरी पण हे पाणी प्यायला हरकत नाही। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, अभी बहुत सारा तो इन्होंने बताया। उनको 3 साल से पहले, 3-4 साल से वो जो मेन तकलीफ थी वो टंग की थी। उसकी जो टंग, जिसको जीभ वो बोलते हैं, वो लाल होते थे और बिल्कुल किसी भी कुछ भी खाने का स्वाद नहीं मैं मिलता था, वो खा नहीं सकती थी। और उसको भी नहीं मैं मिलता था, बहुत परेशान थी। लेकिन बाद में जब कैंगन का मेरे जमाई और बेटी करने लगे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये पानी पियो। कौन से नंबर का? 9.5 पानी पियो और वो पानी से क्या फर्क पड़ता है हमें बताओ। वो पानी, तब हम बोरेली रहते थे और हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया, इसलिए भाड़े से हम लोग दहिसर में रह रहे हैं। तो मेरे बेटी और जमाई और मेरी और एक बेटी है, उससे ये बेटी से मंजू से भी बड़ी, वो लोग हमेशा यहाँ आके पानी लेके अपने आई की माँ को और ये भी सप्लाई करते थे। हर 3-4 दिन में सप्लाई करते थे ये 9.5। ये पानी पीने से क्या फ़ायदा हुआ इनको? पानी पीने से ऐसा फ़ायदा हुआ कि वो जो टंग लाल होती थी वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आ गई। नॉर्मल पे आने के बाद उनको जो वो जो खाती थी वो उनका स्वाद का आनंद उसको मिलने लगा। जो पहले था, इसलिए उसको पहले नहीं मिलता था, बहुत रिलीफ मिला। पर आज के दिन डायबिटीज तो उसकी दवा तो चालू ही है, लेकिन ये जो मेन था खाने का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। अभी वो सब खा सकती है, तीखा भी थोड़ा सा खा सकती है और अच्छा खा सकती है। खाना का भी मजा आ रहा है। हाँ, खाना भी उसका भी मजा आ रहा है। बढ़िया। और पहले क्या होता था, ये नहीं खाती थी तो हम रह जाते थे तो अभी वो भी आनंद हमें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैंगन के बारे में लोगों को? कैंगन के बारे में सजेस्ट ऐसा करेंगे कि कैंगन का पानी, चाहे आप कोई भी कंडीशन में हो, अच्छी नॉर्मल कंडीशन में भी हो, तो ये पीना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और आज कई साल, 3-4 सालों से हम लोग पानी गर्म करने का छोड़ दिया है और ये पानी पीते हैं। अभी तो फिलहाल तो सामने रहते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर आगे देखा जाएगा, जब हमारा घर होगा तब हम लोग सोचेंगे इस मशीन को अपने घर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी छोटी बहन ने, लड़के ने भी लिया, मंजू की छोटी बहन ने भी लिया, अपने घर पे लगा। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।